क्या फ्रेश प्रसाद है ये 120 रुपीस का, और ये वाला भैया ने कितने बताया? ये 50 रुपए का, ये 50 रुपीस का, वो 80 रुपीस का, और ये फ्रेंड्स आप ये डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मंदिर खुलने का समय सुबह प्रातः 5:15। जय श्री श्याम। वाह, जय श्री श्याम। मेरे सारे व्यूवर्स की तरफ से जय श्री श्याम। अगर मंदिर बंद भी रहते 3 से 4 के बीच में तो आप कुंड की तरफ आ सकते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। ये 50 का सौका, और ये वाला मंदिर। चलो बाहर की तरफ एक बार जयकारा लगा देंगे खाटू वाले बाबा की जय। 40 रुपीस बताया मेरे को, बाकी अंदर बैठते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हाजिर फ्रेंड्स आप सभी के लिए और नया ब्लॉग लेकर के काफ़ी दिनों बाद। और आप भी बोल रहे होंगे यार बड़ा बंदा बंदा सा लग रहा है आज। और क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी काफ़ी टाइम बाद जाके अपनी हेयर कट करा लिया है, हेयर कटिंग करा ली है आफ्टर लॉन्ग टाइम, मेरे हिसाब से 3 साल बाद जाके कराया है। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है मेरा नया लुक, पहला वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ब्लॉग की, तो आज का ब्लॉग कहाँ का होने वाला है फ्रेंड्स? आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ राजस्थान, और राजस्थान में बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है श्री श्याम बाबा का मंदिर, खाटू श्याम बाबा का मंदिर। आज का हमारा सफर दिल्ली से श्री श्याम बाबा का रहने वाला है। और फ्रेंड्स अभी खड़ा हूँ मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, सुबह के बज रहे 8, और यहीं से आज का हमारा जो ट्रेन का सफर होने वाला है, ट्रेन जर्नी होने वाली है। और जिस ट्रेन से आज का हमारा सफर होने वाला है उसका नाम है रुनीचा एक्सप्रेस, RUNICHA रुनीचा एक्सप्रेस, जिसका नंबर है ट्रेन नंबर 14087 14087। और इस ट्रेन की एक और बात आपको खास बात बता दूं कि ये जो अभी इनॉग्रेशन हुआ है इस वाली ट्रेन का, जो कि राजस्थान जाती है, राजस्थान में जैसलमेर सिटी जाती है, और बट हमारा जैसलमेर का सफर नहीं होने वाला, हमारा सफर रिंगस तक का होने वाला है, जो कि श्री श्याम बाबा जाने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है रिंगस का पड़ता है। डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है, जो कि डेली रन करती है दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इसका टाइमिंग जो है 8:55 का है, और बाकी सारी जानकारी आपको ब्लॉग में देते हैं। सबसे पहले मैंने जो भी रिजर्वेशन नहीं करा रखा टिकट का, जल्दी चलते अपने काउंटर पे टिकट लेते हैं, वहां से फिर अपना प्लेटफॉर्म नंबर देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे अपनी ट्रेन जो खड़ी है उसके बाद बैठेंगे। 1 घंटा है चलने के लिए, भी मैं 8 बजे आ गया हूँ, सबसे पहले ट्रेन की टिकट ले लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम जनरल कोच में सफर करते हैं। काउंटर है, टिकट काउंटर पे जाके जल्दी से टिकट लेते हैं। फ्रेंड्स टिकट अपने को मिल गई है 125 रुपए की टिकट है, 125 रुपीस की। अब जल्दी से चलते हैं इंक्वायरी काउंटर पे। ये फ्रेंड्स सामने अपना जो इंक्वायरी काउंटर है, सामने इंक्वायरी काउंटर है, वहां तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन खड़ी है अभी, जल्दी से चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले, ट्रेन में जाने से पहले आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन कवर करनी थी कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल कार या बाइक से आते हैं कि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आपको अगर लगता है कि आप यहाँ पे आके ट्रेन पकड़ते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग पे लगाते हैं, स्कूटर लगाते हैं, तो उसके बाद आप सफर करते हैं, उसके बाद जो अपना आप वापस कभी इस वाली ट्रेन से किसी भी ट्रेन से आते हैं ओल्ड दिल्ली की तरफ, तो पार्किंग का पता कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पार्किंग में दिखाते हैं बाइक की और स्कूटी की, कार की क्या चार्जेस हैं, पता कर लेते हैं एक बारी। भैया यहाँ पे अपने बाइक के चार्जेस क्या हैं एक दिन के लिए? एक दिन खड़ा करते 100 रुपये अभी करेंगे तो अगले दिन इसी टाइम पे लेंगे, 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और गाड़ी के 200 रुपये, ठीक है, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं, गाड़ी से बाइक से आते हैं, आपको लगता है कि आप जो है गाड़ी टैक्सी से नहीं आ रहे सुबह सुबह के टाइम पे, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़ी पार्किंग है। फ्रेंड्स फाइनली अपन आ चुके हैं स्टेशन के अंदर, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी आ गए हैं, 14087। फिलहाल तो यार भीड़ मेरे को नजर नहीं आ रही है, ये इसका पहला जनरल कोच है, जनरल कोच में देख लेते हैं कितना क्राउड है कितना नहीं आई है। ये देखिए ये जनरल कोच का भी भीड़ तो नहीं है, खाली पड़ी हुई है। ये देखिए भाई बैठने की सीट तो आराम से मिल जाएगी आपको, ये देखिए सामान वामान रखने के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी क्या है जनरल कोच में भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, 31st October की डेट है, जो ट्यूसडे का दिन है, जनरल कोच खाली पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा सीट मिल जाएगी आपको। बाकी वीकेंड पे जो अपना आपको भीड़ मिल सकती है, क्या पता फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्रेंड देख सकते हैं एक कोच ये रहा, सबसे आगे में एक कोच ये है, एक कोच आगे लगा हुआ है, मतलब जनरल कोच आगे भी 2 लगे हुए, पीछे आपके 3 लगे हुए, टोटल इसमें 5 मैंने देखे अभी, 5 जनरल कोच मैंने अभी देख लिए रुनीचा एक्सप्रेस में। अगर आप श्री श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, यहाँ पे आपने टिकट कंफर्मेशन नहीं है आपका, जो आप जो है रिजर्वेशन नहीं है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं जनरल कोच की टिकट लेके भी। फ्रेंड्स ये लोकोमोटिव देख सकते हैं WDG4D70347 ITRC शेड का है, ये अपनी चलने वाली है, अंदर चलते हैं। ट्रेन का बिल्कुल राइट टाइम निकली है फ्रेंड्स यहाँ से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से, 9 बजे के आसपास दिल्ली जंक्शन से निकलते हुए। फ्रेंड्स ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा की जय लिख देना। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या अपना अगर आप जनरल कोच से सफर कर रहे हैं तो इसमें आप जो है
अपने मोबाइल फोन का जरूर ध्यान रखें, अपने कीमती सामान का जनरल कोच में, जब तक आप दिल्ली कैंट या फिर पालम क्रॉस नहीं कर जाते। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर ले अपने टोटल जर्नी की, टोटल जर्नी हमारी जो 231 किलोमीटर की रहने वाली है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिंगस तक की, और टोटल स्टेशन इसमें जो 9 से 10 स्टेशन पड़ेंगे आपके। और रूट की बात करें ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल के अपना दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट के बाद अपना गुड़गांव, गुड़गांव से रेवाड़ी, रेवाड़ी से आगे फिर आगे मूव करेगी अपना नारनौल, नारनौल से फिर आगे श्री माधोपुर होते हुए पहुंचेगी अपना रिंगस। और 4 घंटे की जर्नी रहने वाली है, 9 बजे के आसपास निकली है, 9 बजे निकली यहाँ से अपना ओल्ड दिल्ली से, वहाँ पहुँचेगी अपना 1 बजे के आसपास। दिल्ली सराय रोहिल्ला स्किप करते हुए यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है, पहुँच चुके हैं 9:25 पे दिल्ली कैंट, दिल्ली छावनी। दिल्ली छावनी का बता दूँ, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास ही मैं रहता हूँ, बट मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से बोर्ड ना करूँ, उस ट्रेन को मैं ओल्ड दिल्ली से करूँ ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। स्पेशल आपके लिए मैंने वहाँ से बोर्ड करी है ट्रेन, अदरवाइज मेरे घर के पास बिल्कुल नियर ऐसी ही है, तो यहाँ से मैंने बोर्ड नहीं करा पहले ट्रेन को, चाहे तो मैं यहाँ से भी कर सकता था। और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि यहाँ पे आपको प्राइवेट पार्किंग भी अवेलेबल मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कार की स्कूटर की पार्किंग मिल जाएगी, वो मैं आपको क्लिप दे दूंगा, क्लिप मैंने कल कवर कर ली थी आप सबके लिए। यहाँ पे थोड़ी सी अभी देख सकते हैं भीड़ स्टार्ट हो गई है, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने देखेंगे ये रेलवे स्टेशन का एग्जिट है, यहाँ पे आपको दोनों पार्किंग मिल जाएगी, गाड़ी की पार्किंग का भी पता कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो अपना बाइक की पार्किंग भी मिल जाएगी सामने स्ट्रेट सामने। ये दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की जो ये वाला एग्जिट गेट है, इस साइड पे है पार्किंग जो है मेन, इस पे ये फ्रेंड दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग है, पहले पेड पार्किंग की थी, अभी इसमें टेंडर खत्म हो गया तो अभी कुछ दिन के लिए फ्री है, दिवाली के बाद फिर से पेड हो जाएगी। बाकी आप फ्रेंड्स अपनी टैक्सी से ऑटो से आएंगे तो यहीं पे आपको उतरना पड़ेगा स्टेशन के बाहर ही। फ्रेंड्स मैंने पता करा यहाँ पे गाड़ियों के रेट तो महंगे हैं, 300-400 रुपये के आसपास बताया भैया ने मेरे को कि यहाँ पे अगर आप खड़ी करोगे, और सामने आपको जो है बाइक की पार्किंग मिल जाएगी, फिलहाल अभी फ्री है पार्किंग जो फ्री है, बट आपको दिवाली के बाद जो टेंडर खुल जाएगा तो उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे 30-40 रुपये पर डे के, एक दिन के 30-40 रुपये। ये पार्किंग वाली फैसिलिटी फ्रेंड्स मैंने एक दिन पहले कवर कर ली थी आप सबके लिए ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके, अगर आप किसी भी ट्रेन से रिटर्न आते हैं रिंगस से दिल्ली कैंट आते हैं तो दिल्ली कैंट उतर के अपने पर्सनल व्हीकल ले सकते हैं और अपने घर की तरफ मूव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पैसेंजर अभी आते हुए, और दिल्ली कैंट से तो भाई बहुत पैसेंजर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं भी 2 बारी जर्नी की यहाँ पे दिल्ली कैंट से चढ़ाऊँ, क्योंकि अपना बैग ऊपर साइड पर भी यहाँ पे बैठ जाएंगे आराम से। ये देखिए 2 मिनट का हॉल्ट लेने का निकल चुकी है, और इसके बाद अपना जो नेक्स्ट है अपना गुड़गांव। रेवाड़ी से भी अभी काफ़ी, रेवाड़ी जंक्शन से पैसेंजर चढ़ रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ पे जो खाली थी अभी और बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी। फ्रेंड्स 12:05 पे पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन डाबला, जो कि अपने राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और रिंगस भी हमारा सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पधारो हमारे देश रंगीलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनसे ट्रेन अपनी पहुंचे श्री माधोपुर, उसके बाद नेक्स्ट अपने हैं श्री श्याम बाबा का जो स्टेशन अपना रिंगस का। और यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ जो अपनी ट्रेन के टिकट्स का बता दूँ, अगर आप जनरल से नहीं आना चाहते तो उसमें आप स्लीपर से आ सकते हैं, 3rd AC से आ सकते हैं, 2nd AC से आ सकते हैं, इसमें 1st AC भी अवेलेबल है अगर आपका बजट ज़्यादा है तो, चारों कोचेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और जिसमें स्लीपर का टिकट आपको 175 का पड़ेगा, 3rd AC का 500 रुपीज़ के आसपास है, 2nd AC का जो आपका 700 रुपये के आसपास है, अगर आपका ज़्यादा बजट है 1st AC का तो आप 1st AC से भी आ सकते हो, उसका टिकट मेरे हिसाब से कुछ 1200 रुपये के आसपास है, तो जैसा आपका बजट है वैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं, इसमें सारे कोचेज अवेलेबल हैं। और अगर आपका कम बजट है तो ऐसे भी लो बजट जर्नी कर सकते हैं आप 125 रुपये जनरल कोच से भी। फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं अपना रिंगस जंक्शन देख सकते हैं, आधा घंटा देरी से चल रही थी, 1 बजे इसका टाइम था हमें पहुंचाने का, बट ये 1:30 बजे के आसपास पहुंची है। बोलो खाटू वाले बाबा की जय। ये भाई फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं बाबा के धाम, निकलेंगे यहाँ से मंदिर, चलो बाहर की तरफ एक बार जयकारा लगा देंगे खाटू वाले बाबा की
ये अपना अंडरपास इस साइड से जाओगे तो यहाँ से साइड पे निकल जाएगा उस वाली साइड पे। मैं भी फ्रेंड्स यहीं से जाके उस साइड पे निकल जाएंगे। फाइनली पहुंच गए फ्रेंड्स, कैसा लगा सफर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो है बाकी भगजन देखो यहाँ से उतर के आ रहे हैं, यहाँ से उतरेंगे पीछे नहीं जाएंगे जहाँ पे कैब थी, ये सीधा बाहर ही जाएंगे, बाहर से आपको मिल जाएगी। मैं आपसे आपके लिए कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी थी बाहर से, मेरे को बताऊंगा बाहर जाके मैं। ये देखिए यहाँ से एग्जिट गेट है और यहाँ पे आपको सामने टिकट काउंटर मिल जाएगा, अगर आप रिटर्न में आएंगे तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं जनरल टिकट। और यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये अपना स्टेशन देखो रिंगस, ये देखिए भाई बढ़िया वाली गर्मी लग रही थी, इसे चलते मैंने अमूल की लस्सी ले ली मीठी। ठीक है चलते हैं फिर आगे, आपको काफी सारी शॉप मिल जाएगी खाने पीने के लिए। एक इस साइड में भी राइट साइड में भी कट है, यहाँ पे भी आपको टैक्सी मिल जाएगी, बाकी सीधा भी आपको टैक्सी मिलेगी, अपन सीधा चलते हैं। ये देखिए आपने मेरे से लास्ट टाइम पूछा था आप निशान लेना चाहेंगे तो ये 120 रुपीस के हैं विद स्टिक विद प्रसाद, ऊपर देख सकते हैं फ्रेश प्रसाद है ये 120 रुपीस का। और ये वाला भैया ने कितने बताया, ये 50 रुपए का, ये 50 रुपीस का, वो 80 रुपीस का, और ये 30 रुपए, ये 30 रुपीस के। तो जो भी आपका बजट है वैसे आप ले सकते हैं निशान और अपनी यात्रा कर सकते हैं यहीं से रिंगस से। नाम क्या भैया आपका, मूलचंद कुमावत है, भैया से भी आप ले सकते हैं। जैसे एग्जिट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे तो भैया के यहाँ पे शॉप मिल जाएगी। थैंक यू भैया, जय श्री श्याम। और ये देखिए ये सारी कैब खड़ी हुई है बलैरो शेयरिंग में, देखिए। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको काफ़ी सारी कैब मिल जाएंगी, इसमें अपन बैठने वाले अब 40 रुपीज़ बताया मेरे को, बाकी अंदर बैठते हैं। ये देखो यहाँ पे तीन पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 आगे भी तीन बैठे हुए। भाई कितना किलोमीटर है खाटू अपना, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर से कुछ 20 मिनट लगने वाले हैं यहाँ से पहुँचने में ना, 15-20 आधा घंटा लगता है ना, तो सही है 40 रुपीज में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्राइस जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये बढ़ भी जाते हैं जब ज्यादा भीड़ होती है, टैक्सी कम होती है यहाँ पे उस समय बढ़ जाते हैं ना, 60 भी लगते हैं, 50 भी लगते हैं, 100 भी लेते हैं, 80 भी लेते हैं, इट्स डिपेंड ऑन की क्या यहाँ पे क्राउड है क्या। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे अभी बैठ चुके हैं, पैसेंजर फुल हो गई अपनी गाड़ी, दे दो लेकिन दिया हमारे भैया ने यहाँ पे तोरण द्वार से पहले उतारा, देखो द्वार हो रहा भाई, फील आ गया खाटू श्याम बाबा की नगरी में आके फुल सेट सेट का सेट है, सेट का सेट है, सेट का सेट, ये बाबा के गाने चल रहे हैं भाई फुल। फाइनली फर्स्ट टाइम भाई, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं तोरण द्वार के पास में यहाँ पे, बहुत कभी नहीं आया, मैं हमेशा आगे चले जाता था मंदिर पार्किंग के पास। फाइनली सब धूप इतनी हो रही कि आंखें खुल ही नहीं रही थी, फाइनली मैंने निकाल ली अपने ग्लासेस, अब जाके थोड़ी बहुत आगे खुल रही है, देख पा रहे हैं भाई द्वार को यहाँ से ऐसे करके पूरा प्रॉपर। ये फ्रेंड्स अब अंदर चलते हैं, आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ, श्याम बाबा के दर्शन भी कराते हैं वहाँ पे। लोगों की श्रद्धा है कि आपको निशान रिंगस से उठाना है फिर यहाँ से उठाना है, वैसे कहा जाता है रिंगस वाले मोड़ से सब लोग उठाते हैं अपने निशान को, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से आपकी श्रद्धा है, आप वहाँ से भी निशान उठा सकते हैं, चाहे यहाँ पे तुरंत द्वार आके भी, चाहे आप रिंगस के मोड़ से भी जहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास। ये मार्केट है, मार्केट से बिल्कुल सीधा चलते रहो स्ट्रेट, आपको कहीं नहीं मुड़ना, ये बैरिकेड्स आपको मिलेंगे लास्ट में, इन बैरिकेड से बिल्कुल आपको सीधा निकलना है। बाकी शॉप आपको अवेलेबल मिल जाएगी, यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने के लिए आपको होटल्स और ढाबा मिल जाएंगे, और बाकी आपको ये गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा, धर्मशाला मिल जाएगी। ये देखिए कॉरिडोर बना रखे, जो नए कॉरिडोर बनाए आने का रास्ता, देखिए सभी आ रहे हैं यहाँ से, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए श्री श्याम बाबा कितने अच्छे खूबसूरत मिल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल हैं, देख बताइए। एक मैं लेके भी गया था लास्ट टाइम, मैं इस टाइप का लेके गया था श्याम बाबा का, अभी देखेंगे दर्शन करने का दोबारा आएंगे। फ्रेंड पहुंच चुके फाइनली, जय श्री श्याम देवाय नमः, वाह जय श्री श्याम, मेरे सारे व्यूवर्स की तरफ से जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा की जय। और फ्रेंड्स आप ये डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मंदिर खुलने का समय सुबह प्रातः 5:15, मंगल आरती 5:30, श्रृंगार आरती प्रातः 7:45, तो ये सारी टाइमिंग को आप देख सकते हैं, ऑफिशियल टाइमिंग है यहाँ पे। यहाँ पे क्या टाइमिंग का मेरे को भी बताया कि डेली जो है मंडे टू फ्राइडे के बीच में डेली दोपहर में 3 से 4 के बीच में मंदिर बंद रहता है, तो 3 से 4 अभी मंदिर बंद रहेगा, तो उसके बीच में मैं देखता हूँ, यहाँ पे बड़ा कुंड है, दो कुंड है यहाँ पे, तो इस साइड में कुंड की तरफ जा रहा हूँ, तब तक मैं उसको एक्सप्लोर कर लूँगा, और उसके बाद 4 बजे के आसपास आऊँगा, 4:15-4:30 बजे मैं दर्शन करने आऊँगा। तो डेली रहता है मंडे टू फ्राइडे के बीच में, सैटरडे संडे नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे के लिए बंद होता है मंदिर 3 से 4 के बीच में। अब मैं आगे की तरफ बढ़ते हुए, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे टाइमिंग सर आपको बता देंगे, सर बताइएगा
जो आपने बताया कौन सा एकादशी का, एकादशी आती है ना, एकादशी यस, उसको 11 बोलते हैं, 11 सूते पूरी रात खुला रहता है, पूरी रात खुला रहेगा। और जो महीने में दो आती है, एक छोटी एक बड़ी, महीने में दो एकादशी होती है, एक छोटी और एक बड़ी, उस टाइम पे मंदिर जो है पूरा नाइट खुला रहता है, पूरा नाइट खुला, ठीक है, सैटरडे को पूरा खुला, सैटरडे को पूरी नाइट खुला रहता है। और दिन में जो आपका 3 से 4 के बीच में वो होता है अपना ब्रेक होता है, एक घंटे का ब्रेक होता है। और जो आपको मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे खुला रहता है, संडे नॉर्मल टाइमिंग में बंद होते हैं, ऐसे मंडे टू फ्राइडे के बीच में बंद होता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय श्री कृष्ण। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का सा आगे आने के बाद अपना श्याम कुंड, यहाँ पे अंदर चलते हैं एक बारी। फ्रेंड्स मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे, इससे पहले मैं नहीं आया यहाँ पे श्याम कुंड में, क्योंकि रात में आता था, शाम को आता था, तो यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिला कभी मुझे। फ्रेंड शूज हमने यहाँ पे उतार दिए, आपको भी यहीं पे उतार के जाने पड़ेंगे अब इससे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यहाँ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सभी भक्तजन यहाँ पे अभी स्नान करते हुए, यहाँ पे सभी को नीचे भी लेके चलते हैं एक बारी। अगर मंदिर बंद भी रहते 3 से 4 के बीच में तो आप कुंड की तरफ आ सकते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। मैं तो स्नान नहीं करूँगा, मैं सीटें ही डाल लूँगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, घाटू वाले बाबा की जय। चलते बाहर यहाँ से शाम कुंड से, तो हो गए यहाँ पे छीटे बिटे अलमार ली, नहाए तो नहीं, अगर आप आए तो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप आपको अवेलेबल मिल जाएगी, मैं हमेशा यहीं से प्रसाद लेता हूँ, मैंने दोनों बार यहीं से प्रसाद लिया है, थर्ड टाइम भी मैं यहीं से ले रहा हूँ। प्रसाद आप ले सकते हैं, भैया कितने का प्रसादी वाला स्मॉल, ये 50 का 100 का, और ये वाला 100 का, वो भी 50 का, तो कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, वो भी लूज भी है, लूज भी आप देख सकते हैं, वो करा सकते हैं। मैंने मुँह धो लिया यहाँ पे, हल्का सा मार लिया था, हाथ पाथ धो लिया था मैंने वहीं पर। और बाकी अगर आपको स्नान करना तो कुंड में कर सकते हैं, वहाँ से आप चेंज करके सीधा दर्शन के लिए जा सकते हैं, या फिर आप धर्मशाला होटल ले सकते हैं, आप फ्रेशन अप होकर फिर आप मूव कर सकते हैं अपना दर्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था, बैग मैंने जमा कर दिया है, बाकी आप बैग भी लेके अंदर जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, अलाउ है। फ्रेंड्स यहाँ से अभी एक प्रसाद ले लिया 100 रुपीज़ वाला, और एक फ्लावर ले लिया भाई, दे दीजिए, थैंक यू भैया, जय श्री श्याम, आगे बढ़ते हैं अपने दर्शन के लिए। यहाँ से आप फूल माला भी ले सकते हैं, मैंने 20 रुपीज़ की फूल माला ली है, छोटी सी गली से आपको आगे मूव करना पड़ेगा, साइड पे आप निकलेंगे देख सकते हैं, वहाँ से भी एक रास्ता जो मैं आपको बता रहा था कुंड की तरफ से, यहाँ से मैं साइड से आया हूँ, आगे सब मूव करते हुए। जय श्री श्याम, फाइनली अपने टीका भी लग गया श्याम बाबा का, जय श्री श्याम। ये लगाना मैंडेटरी रहता है मेरे हिसाब से यहाँ पे, ये ना लगाया तो फिर लगता नहीं है भाई श्याम भक्त हो आप। मंदिर बनता है एक घंटा, तो उसके चलते यहाँ पे देखो कितना क्राउड लग गया, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, ये देखिए भाई क्राउड, जो एक घंटा मंदिर बनता है उसके चलते अभी लाइन देखिए। जय श्री श्याम, देख सकते हैं सभी भक्तजन बैठे हैं मैं अभी, और ये कॉरिडोर बना दिए यहाँ पे, एक एक करके आप सिंगल सिंगल जा सकते हैं, किसी से भी एंट्री करेंगे सीधा वहीं जाएंगे मंदिर के पास। फ्रेंड देख सकते हैं सामने स्क्रीन भी ऑन हो गई है लाइव। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ते हुए, जितना पॉसिबल हो पाएगा आप सबको दर्शन कराने की मैं कोशिश पूरी करूंगा, ताकि आपके भी दर्शन हो पाए श्री श्याम बाबा के। जो भी मेरा व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, श्याम बाबा के पास आने का उनका मौका जरूर मिले, जल्दी श्याम बाबा अपने दरबार में बुलाएं, आपके आपकी फैमिली के ऊपर श्याम बाबा की कृपा बनी रहे, जल्दी आप भी आइए, प्लान बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स यहीं पे प्रसाद चढ़ा दिए, इसमें चढ़ाने के लिए बोला है प्रसाद, और बाकी फूल वगैरह चढ़ा दिए। फाइनली फ्रेंड्स बहुत अच्छे दर्शन हुए, आई विश आपने भी कर लिए होंगे दर्शन, जो मैंने दूर से कोशिश करी आप सबको कराने के लिए, जल्दी आने का मौका मिले श्री श्याम बाबा के दरबार में, और आप पे आपकी फैमिली पे कृपा बनी रहे श्री श्याम बाबा की। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और जो भी दान पात्र मैंने चढ़ाया वो बताऊंगा नहीं मैं कितना था, क्या था, क्या अमाउंट था, बट मैंने चढ़ा दिया आप सबके लिए। अब यहाँ से बाहर निकलते हुए ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली अपनी शॉप पे आ चुके हैं, जहाँ पे मैंने शूज़ और अपना बैग दिया था। यहाँ पे टाइमिंग की बात करें 4:45 हो रहे हैं, यहाँ पे फ्री हो चुके हैं 4:45 के आसपास जो लाइन में लगे लगे, और ये कुछ ऐसे टाइप से आप दर्शन कर सकते हैं इजीली। अगर आपको धर्मशाला चाहिए या फिर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप फ्रेशन अप होकर आ सकते हैं, बट मैंने इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं करूँगी, मेरे को
आज ही वापस निकलना है, तो इसके चलते मैंने दर्शन कर लिए। और आने वाले टाइम पे अभी जो 23 नवंबर में जो श्री श्याम बाबा का बर्थडे है, तो उस टाइम पे भी आप प्लानिंग करेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर लगे आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स के लिए में कोई भी प्लान कर रहा है आने वाले टाइम पे श्री श्याम बाबा मंदिर आने के लिए, रिंगस आने के लिए, तो इस वीडियो से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। शाम होते होते फ्रेंड्स देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, अब शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई मेरे हिसाब से, मतलब जिस टाइम दोपहर में मैं आया था उस टाइम पे भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको धर्मशाला बहुत सारी मिलेगी, अलग अलग स्टेट की धर्मशाला, हरियाणा की है, दिल्ली की है, कोलकाता की है, यहाँ पे काफ़ी सारी धर्मशाला आपको अवेलेबल मिल जाएगी। मैंने पूछा यहाँ पे धर्मशाला के रेट, कई जगह पे फ्री भी है, वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे आपको जो है जो भी पैसे लेंगे वो जब जाएंगे उस टाइम को सिक्योरिटी आपको वापस कर दी जाएगी। कई धर्मशाला में ऐसे जहाँ पे कम पैसे लगते हैं, 200-250-300 रुपये भी लगते हैं, कई फ्री हैं, कई आपके श्रद्धा के तौर पे आप दे सकते हैं, कितने पैसे आप देंगे जाते टाइम 100-50 रुपये तो आप दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। तो अगर जब तोरण द्वार से जैसे एंटर करेंगे तो वहाँ से आगे पूरा श्याम बाबा मंदिर तक आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे और उनके रेट मैंने ही पूछा था, अभी तो सस्ते चल रहे 1000-1500 रुपये, बाकी जब श्याम बाबा का बर्थडे उस टाइम पे अगर आएंगे तो 2500-3000-4000-5000 तक रेट चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या मैंने पता करा था कि यहाँ पे सिंगल को धर्मशाला नहीं देते, जैसे हरिद्वार में और ऋषिकेश में सिंगल पर्सन को धर्मशाला नहीं प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं हूँ सिंगल तो फैमिली पर्सन को देते हैं, अगर आप फैमिली पर्सन है तो ही आपको धर्मशाला यहाँ पे दी जाएगी, रूम दिया जाएगा, सिंगल को अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंगल है तो आप होटल में स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे यार अकेला हूँ मैं तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि स्टेशन ही चलता हूँ, वहाँ पे अपना वेट कर लेंगे ट्रेन का। बट ट्रेन जो है एक 9:55 की है, 10 बजे की ऑलमोस्ट, और एक जो है अपना ट्रेन है अपना 12:50 की, दो ट्रेन आपको मिल जाएंगी, इसमें से एक ट्रेन लेती है आपका 7.5 घंटे जो कि 9:55 की है, बाकी एक आती है अपना 12:50 पर, वो जल्दी छोड़ देती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। ये बड़ा प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, ये ले लेते हैं एक ना। भैया कितने का है फ्रेंड्स? पीछे बैक में लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और इस साइड पे बाबा की पिक्चर है, तो ये लिया हमने 50 रुपीज़ का, ये लेके जाएंगे। वैसे मैंने वो लिया अभी श्याम बाबा का जो गिफ्ट था वो लिया, उन्होंने ही मेरे को अंकल ने बताया, मैंने बोला बेस्ट कचौड़ी वगैरह कहाँ मिल जाएगी, उन्होंने खुद बताया। ये होटल बताया था एम बी स्वीट्स, बताया एम बी स्वीट्स से मिल जाएगा, बाकी एक श्याम होटल, होटल श्याम। फ्रेंड्स अगर आपको मीठा वगैरह ट्राई करना तो मीठा भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है मीठी है फ्रेंड्स, 25 रुपीज़ के, 20 की कचौड़ी है, 5 रुपीज़ की मैंने वो भी कर, ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स गर्मा गर्म समोसे भी मिल जाएंगे, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कचौड़ी तो खत्म हो गई थी, मैंने समोसा ले लिया, भैया ने बता रहे कि वो अवेलेबल नहीं है, ये ट्राई करेंगे भाई अब समोसा। और फ्रेंड्स यहाँ से अब निकलते हैं, ठीक था, बढ़िया था भाई इनका समोसा और मैंने वो खाया, बढ़िया था। यहाँ पे वेज बिरयानी भी आपको मिल जाएगी 50 रुपीज़ में, सामने गोलगप्पे मिल जाएंगे भाई, ये सब चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। चौराहा आ गया, चौराहे से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आना था मन था कि मैं शाम को आऊँ यहाँ पे, उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन की तरफ निकलूँगा। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं तोरण द्वार के पास आ चुका हूँ, यहीं पे आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जल्दी से आप भी अपना प्लान बनाइए श्री श्याम मंदिर आने के लिए। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी जो मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तोरण द्वार से यहीं से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा की जय। फ्रेंड्स सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन आती है 9:55 की जो है, जो कि मॉर्निंग में दिल्ली कैंट उतारेगी 5:30 बजे के आसपास। इत्तेफाक से आप देख सकते हैं ट्रेन खाली होती है, मैंने अंकल से पूछा खाली कैसे है, कह रही बेटे कभी खाली होती नहीं है, इत्तेफाक आज ये खाली आ रही है। चाहे तो आप 12:50 वाली चेतक एक्सप्रेस से भी आ सकते हैं, वो 4:30 बजे उतारते दिल्ली कैंट इससे पहले। और ये देखिए सुबह 5:30 बजे इसने हमें दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन उतार दिया था। स्पेशल क्लिप आपके लिए बनाई है फ्रेंड्स, आप बोले कि आप वापस कैसे आए।